फिस्टुला जो है उसको लोग छिपाते हैं, घर में भी किसी को नहीं बताते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से शेयर नहीं करते, और इसके चलते उनकी बीमारी बढ़ जाती है और आने वाले समय में बीमारी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो शायद इसको मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए एक दूसरे से, अगर घर में किसी को है तो उसको बताएं, फ्रेंड्स को बताएं। तो आपका क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है बिल्कुल, बताना चाहिए? इसमें कॉमन चीज़ है। एक तो ये है कि प्राइवेट पार्ट का एरिया है ऐसा, जिसके बारे में वैसे ही आदमी को ना वो थोड़ा सा कॉन्शियस किया जाता है कि ये कभी शो नहीं होना चाहिए, कोई देख ना ले। मतलब अब कई बार मेरे पास ओल्ड एज के पेशेंट आते हैं, बहुत शर्माते हैं वो दिखाने में, बच्चों को या बड़ों की बात तो छोड़ो, उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं दिखाना। तो ये एक बना रखी है ये चीज़ें, बट किसी भी एरिया को बीमारी है और वो उसे ठीक करना, चाहे वो शाही करने का कोई मतलब बनता नहीं है। हस्बैंड वाइफ के अंदर भी काफ़ी बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वाइफ कहती है मैं इतने देर से ये इतने इतने टाइम बैठे रहते थे, मैं बोलती भी थी पर इन्होंने मुझे बताया नहीं, अब पता चल रहा है कि ये और फैल गया, बिगड़ गया, तब आके पता चल रहा है। जी सेम कई बार पेरेंट्स देखते हैं बच्चों के अंदर, इनका वजन कम हो रहा है, डिप्रेस होकर बैठे हुए हैं, अच्छे से खा पी नहीं रहे, विदाउट रियलाइजिंग। कई बार वो पूछ भी नहीं पाते क्योंकि उनको कितनी नॉलेज है, पर बच्चा भी नहीं बता पाता बिकॉज ऑफ दिस कि है ये प्राइवेट एरिया है। बट मुझे लगता है कि वी शुड बी मोर ओपन अबाउट इट, और ज़्यादा इसको डिस्कस कर लेना चाहिए अगर कोई इस तरह की दिक्कत हो रही है। और दूसरी ये तो एक इग्नोर का कारण ये हो गया, सेकेंडली इग्नोर का कारण ये भी हो जाता है, अच्छा उसको थी तो उसने ये दवाई की थी एक्स वाई जेड, दूध को फटा के खा लिया था, या बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं, जी दे आर गुड मैं समझता हूँ, पर एक बार में कोई ठीक नहीं हो रहा, दो बार में बार बार कोई चीज़ हो रही है, तो फिर उसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, करे जाओ चाहे अपने घरेलू नुस्खे, बट व्हाट इज़ राइट, अगर कम से कम डायग्नोसिस पता चल जाए कि पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, तो फिर ही उसके ऊपर सही ट्रीटमेंट हो पाएगा। ठीक है, हाँ हर चीज़ के अंदर तीनों चीज़ों में घरेलू नुस्खे काम कर जाएंगे, कब्ज का जैसे ही निदान होगा पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल होगा, कंफर्टेबल होना और ठीक होना फ़र्क है। तो हमें कंफर्टेबल होते होते तो आज किसी को कैंसर हुआ है, थोड़ा बहुत पेन डिस्कम्फर्ट भारीपन है, गोली खाता रहे, सेक करता रहे और वो फैलता रहे, तो डेट इज़ नॉट गुड। तो सेम थिंग विद दिस ऑल्सो, ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन भी वैसे ही फैलता है और उससे फास्ट फैलता है, कैंसर तो फिर स्लोली स्लोली, एक से दो, दो से चार, जी और पर ये बहुत तेज़ी से फैलता है, बस बनी और कहाँ जाके फूटेगी किसी को नहीं पता। बिल्कुल, मतलब इसको छिपाएं नहीं, इसको बताएं, और बिल्कुल बीमारी है किसी को भी हो सकती है, बताएंगे तभी तो ठीक हाँ, होंगे, बताएंगे तभी कुछ कर कर पाएंगे। पाएंगे। हाँ, बट हमारे को सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि इतना इस बीमारी को छुप छुप के बताने की ज़रूरत नहीं है, बी ओपन अबाउट इट कि मुझे ये हो रहा है और ट्रीटमेंट लो, जैसे किसी और पार्ट की बीमारी है, इवन एक्स वाई जेड किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है, वो लोग भी इलाज करते हैं ना, जी, तो इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है, फिर नहीं आप क्यों इसको सोच के दबा रहे हो। हाँ, एक ये भी एक इशू रहता है कि लोग ना अपने आप को सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं कि हाँ मैंने पता नहीं क्या कर दिया, मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मुझे क्यों हो गया, क्यों हो गया? ये चीज़ सोचने का कोई मतलब नहीं है, ये बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, बूढ़ों में भी है, हर एक को है। जी तो अगर इस तरह के मन से चीज़ निकाल देंगे तो फिर आप बीमारी को बीमारी की तरह ट्रीट करोगे, और अगर खुद कोई लेबल करते रहोगे मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने वो क्यों खा लिया, या पेरेंट्स भी कई बार कोशिश कर जाते हैं तुम ये खाते हो इसलिए ऐसा हो जाता है, तुमने वो कर दिया था इसलिए ऐसा हो जाता है, आई थिंक कॉज को आइडेंटिफाई करना अच्छी बात है, पर जो जिस अब चोट लग गई है, दिक्कत आ गई, तो उसका इलाज भी उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल सर, एक सवाल है, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, फिस्टुला कैसे ठीक होगा, मतलब कैसे इससे बचेंगे, क्या करेंगे तो फिस्टुला नहीं होगा, डाइट कैसे रखें, क्या खाए पिए जिससे फिस्टुला ना हो, अगर हो गया है एक बार ठीक हो गए हैं तो दोबारा किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर खाने पीने के लिए, डाइट के हिसाब से, अपनी दिनचर्या। ऑलमोस्ट देखो, जो मेरे ठीक हुए पेशेंट्स होते हैं उनको तो मैं ये बोलता हूँ कि आप सब खाइए, जी एवरीथिंग इन मॉडरेशन, कुछ भी मना नहीं है, रोटी सब्जी दाल चावल पराठा, थोड़ा बहुत नॉन वेज, वट एवर जो खाते हैं उनके लिए मना नहीं है, बट जब भी आप प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे आप मान के चलिए कि कब्ज होनी है आपको। अच्छा अगर आपको प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाई हैं, सोया चाप हो गई या इस तरह की मैदे की चीज़ें ज़्यादा खा ली बाई चांस, या नॉन वेज खा लिया, या ज़्यादा प्रोटीन पाउडर्स ही ले लिए, जी तब आप उसके साथ एडिक्वेट फाइबर लीजिए, कुछ फाइबर फ्रूट्स वगैरह में मिल जाता है, वेजिटेबल में मिल जाता है,
अगर वो भी सूट नहीं कर रहा तो इसबगोल यूज़ कर सकते हैं, इसबगोल का हस्क यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो और बहुत सारे फाइबर प्रोडक्ट्स आते हैं स्पेसिफिक, तो वो यूज़ कर रहे हैं। बट इन जनरल क्यों ज़्यादा एक्सेस करना, जब आपको एक बार पता चल गया कि ये चीज़ खाने से मुझे कब्ज बन रही है जी, तो कम से कम नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड करें या क्वांटिटी कम करें। तो पूरी तरह से मिला जुला के ये है कि कब से सबसे पहले बचा हाँ, जाए। प्राइमरली कब्ज से बचना है, और किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि ये क्यों ये खाना है वो खाना नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा मीठा मैं मना करता हूँ। जी हालांकि मीठा सब खा सकते हैं बट उससे और प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि टू मच स्वीट टूथ रखना ठीक नहीं है। बट हाँ, बहुत स्पाइसी खाएंगे तो वो नीचे आके जलन करेगा, इंजरी करेगा, और फिर धीरे धीरे वहाँ से ये बीमारी का फिर से साइकिल शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, बहुत देर अगर बैठा जाए उससे भी हो सकता है क्या? फिर बहुत देर ना बैठें, थोड़ा सा देर उठ जाएं जहाँ बैठे रहते हैं। ये सही बात है, बैठने को तो इवन इतना ज़्यादा वो गिना जाता है पूरा जी कि इट इज़ लाइक कि जैसे आप स्मोकिंग करते हो, ज़्यादा लॉन्ग बैठने को इतना इंजीरियस गिना जाता है। बट हमारे अब सारा प्रोफेशन सब कैसे हैं, अब हम आज बात भी कर रहे हैं तो बैठ के ही करने पड़ते हैं, जी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी बट हाँ, ऑफिस जॉब अभी किसी का है काफ़ी तो दोनों ऑफिस घंटे प्लेसेस बैठ, में भी, हाँ ऑफिस दोनों में भी घंटे बैठ बैठे के बैठे करना है, कंप्यूटर पे जिसको काम करना है उसको भी बैठ बैठ के के करना करना, है। और जो कहीं पे भी आप वेर एवर ट्रैवल कर रहे हो तो भी लॉन्ग ज़्यादा सिटिंग करनी पड़ती है। जी बट डायरेक्ट इसका रिलेशन नहीं है नहीं है। बैठने हाँ का, बैठने से ये है कि कॉन्स्टिपेशन होगी, जी कॉन्स्टिपेशन होगी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन दोनों मिला के जी ये बीमारी को शुरू कर देते हैं। इसलिए एक मॉडरेट एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जैसे खाने पीने की चीज़ों में जैसे मैदा को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मैदा पेट में जाता है, चिपक जाता है ऐसा कुछ। चिपकने से ज़्यादा मैदा आपको कॉन्स्टिपेशन करता है, अच्छा चिपक के ऐसा नहीं है, हमारी मिकोजा इतनी बढ़िया है जी कि वो बॉडी की सिक्रीशंस है, उसके साथ कुछ भी चिपक के बंद होना बहुत ना के बराबर जी पॉसिबल है। जी बट हाँ, अगर स्टूल जो लास्ट पार्ट में इम्पैक्ट हो जाता है तो वो क्या है, वो रास्ते को बंद करता है, अच्छा नॉट इन द इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में स्टूल हार्ड होता है, शुरू के सारे इंटेस्टाइन में एडिक्वेट लुब्रिकेंट होता है तो स्टूल सॉफ्ट ही रहता है, अच्छा तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जैसे लास्ट पार्ट में पहुँचता है और अगर एडिक्वेट वाटर ना हो, या जैसे प्रोटीन है, इनडाइजेस्टेड प्रोटीन है, या ज़्यादा नॉन वेज लिया, तो वो फिर जाके बल्क बढ़ाते हैं और धीरे धीरे वो हार्ड हो के जब निकलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक, जहाँ पे म्यूकस कम होती है, जी जो एनल केनाल है, वहाँ वो इंजर करके निकलते हैं, बाकी सब में से उधर निकल जाते हैं और फिर वहीं से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा सर, ये फाइल्स फेसर फिस्टुला, इसमें पानी पीने का कितना रोल है? कहते हैं कि पानी बहुत पीना चाहिए, पियेंगे तो पेट साफ रहेगा, बहुत ज़्यादा पानी इंटेक करिए। वाटर इंटेक कम रहेगी तो जो भी आपका बॉडी को पानी चाहिए, जी अगर समर है, अगर आप बॉडी को तो पानी चाहिए, स्वेटिंग से भी जा रहा है, यूरिन से भी जा रहा है, तो वो क्या करेगी, पानी कहाँ से निकालेगी, जो भी स्टूल में पड़ा हुआ है, या क्योंकि कोलन में जब स्टूल जाता है तो उसका काम ही स्टूल के अंदर जितना एक्स्ट्रा पानी है उसको खींच लेना होता है, जी तो जब पानी आप कम पियोगे तो उसने पानी खींच लिया तो स्टूल हार्ड हो ही जाना है। तो टू एडिक्वेट वाटर अगर आप बॉडी को दोगे तो उसमें से ज़्यादा वो रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो पानी फिर वहाँ रहेगा तो वो थोड़ा सा स्टूल आपका सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, और स्टूल सॉफ्ट रखना ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ड सबसे होगा तो कहीं ना इम्पोर्टेंट। कहीं वो हाँ, छीलेगा ना अंदर से। स्टूल पतला होना चाहिए ना बहुत सख्त होना चाहिए, अच्छा ज़्यादा सख्त होगा तो भी इंजरी करेगा, ज़्यादा पतला होगा वो प्रेशर से इंजरी कर देगा, अच्छा प्रेशर जैसे सर्जरी वाटर करेगा। जेट भी जोर से प्रेशर मार दो बहुत जी जी तेज़ी जी किसी जगह पे, तो वो स्किन तक को काट सकता है, ओ चट्टान को भी काट देता है प्रेशर हाँ पानी प्रेशर, का, हाँ। तो उसी तरह से अगर पतला वो है और बार बार हो रहा है तो वो इंजरी शुरू कर देता है और फिर वो भी फिशर फिस्टुला बना सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कब्ज से ही बनता है। सर, कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको जो आपके पास इलाज कराने आया हो, आपने उसको मना कर दिया हो, किसी में कैंसर निकल गया हो, ऐसा लगा हो कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, इसको मना कर देते हैं, इलाज नहीं करेंगे, कोई ऐसा पेशेंट है क्या? काफ़ी बार बहुत डिले करके आते हैं जो लोग, बहुत ही इग्नोर करते हैं। केस बहुत ख़राब हो चुका था उनका। हाँ, केस ख़राब नहीं, कई बार जब देखो अगर ऑलरेडी कैंसर है तो उसको कैंसर का ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी हो जाता है, जी ठीक है, तो इन डेट केस हमें उनको कैंसर के यूनिट्स में भेजना पड़ता है। पर काफ़ी बार कैंसर वापसी में नहीं आ रहा होता, लोग ये उसको देख देख के कैंसर समझ रहे होते हैं और कई बार डाउटफुल होते हैं कि है कैंसर के नहीं है, और फिस्टुला ऑलरेडी है उन केसेस में तो फिस्टुला का इलाज करना चाहिए। बट हाँ, बायोप्सी में या किसी रिपोर्ट में ऑलरेडी आ गया है कि कैंसर है तो डेफिनेटली फिस्टुला
फिर हमें उसको कीमो रेडियोथेरेपी के लिए उसके सेंटर ही भेजना पड़ता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि फर्स्ट हम बट जब हमें डाउट होता है कि हम फर्स्ट ये कैंसर हो गया फिस्टुला में, तो हम बार बार उसकी जांच कराते रहते हैं। एक भी जांच में अगर कैंसर आ गया तो फिर हम कैंसर का ट्रीटमेंट पहले प्रायोरिटी पे कर देते हैं। अच्छा। और इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करके छोड़ देते हैं ताकि ये बढ़नी बंद हो जाए और उसका इलाज चलता रहे, एटलीस्ट पेशेंट की लाइफ कम्फर्टेबल हो जाए। और काफ़ी बार वो आते हैं समझ के कैंसर है, पर कई बार हम इलाज करते हैं वो पूरे ठीक होकर चले जाते हैं। अच्छा। और अनलेस के कैंसर बायोप्सी में नहीं आया तब तक हम उसको मना नहीं करते, मना नहीं करते। चूँकि मैं खुद एक फिस्तुला का पेशेंट रह चुका हूँ, तो सर मैं लखनऊ में पहली बार जब अपना इलाज करा रहा था तो मेरी कहीं सर्जरी हुई नहीं थी। तो सर्जरी एक नाम ही ऐसा है कि इससे पेशेंट डर जाता है, सर्जरी वो किसी भी चीज़ की सर्जरी हो, छोटी हो बड़ी हो, नाम ही ऐसा है कि डर जाता है। तो मैं भी डरा हुआ था, तो मैं एक बंगाली के पास गया लखनऊ में। तो मैंने उनके बारे में बहुत सुना था कि बंगाली ने बहुत बड़े बड़े जैसे कि लोगों को ठीक किया था, मैं अभी उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ जाओगे तो ठीक हो जाओगे। इसके पहले वो सर्जरी भी करा चुके थे, सर्जरी से वो ठीक नहीं हुए तो फिर वो बंगाली के पास गया। तो मैं भी गया, मैंने कहा कि सर्जरी नहीं करनी है, सर्जरी से बच जाऊँगा तो मरता क्या नहीं करता, चलो बंगाली के पास चलते हैं। तो मैं उनके पास, तो वो बंगाली धागे से इलाज करते थे, तो मैं उनके पास गया। तो उन्होंने बोला कि, पहले मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, मैंने पूछा आप लखनऊ में कहाँ रहते हो, उन्हें अपना एड्रेस बताया, मैं वहाँ गया। तो उन्होंने बोला कि ना कि मैं एग्ज़ामिन कर लेता हूँ, कि जैसे आप लोग एग्ज़ामिन करते हैं ग्लव्स पहन के एग्ज़ामिन कर लेता हूँ और बता देता हूँ कि इसमें गांठ है, कैंसर है कि नहीं है, मेरे पास इतना तजुर्बा है, तमाम तरह की बातें दावे उन्होंने किए। मैं उनके पास गया तो मुझे जो फिस्टुला हुआ था, मुझे बहुत उस वक्त दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं दर्द से बैठ नहीं पाता था। तो मैं गया तो उन्होंने चेक किया, वो बोला कि नहीं कैंसर वगैरह था कुछ नहीं है, सब ठीक है, लेकिन ना ये आपका पस जो है वो भीतर भीतर सूख गया है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, जब ये जैसे आम है, आम सूख चुका है तो उसको काटेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, तो जब आम में पूरा रस भरा होता है, जब वो पिलपिला हो जाता है, काटेंगे तो रस निकलेगा, थोड़ा इंतज़ार करिए, जब फिस्तुला थोड़ा सा और आपका मतलब और ज़्यादा ऊपर बढ़ेगा, जब उसमें पस दोबारा से बन जाएगा, मतलब एक तरह से ड्रेन हम उसको करेंगे धागे से, तब आप मेरे पास आइएगा। तो या तो आप इसका वेट करिए कि आपका पस जो सूखा है फिर से बन जाए, कोई गड्ढा है उसमें पानी सूख गया फिर से आए, या फिर आप और भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उन्होंने बनारस का मुझे बताया, जयपुर में कोई पायल सेन रिसर्च सेंटर वहाँ के बारे में बताया, वहाँ भी जा सकते हैं, और भी डॉक्टर का रेफरेंस दिया। तो मैंने कहा कि ये मैं इंतज़ार नहीं करूँगा कि ये बस दोबारा बने या फिर मेरे पास आऊँ, तो खैर मैं आ गया आपके पास ही आया, तमाम जगहों से घूम घाम के मैं आपके पास आया। मैं भी एक पेशेंट रह चुका हूँ फिस्टुला का, मैं 11 जगह दिखा चुका था, सर के पास आया था, सर 12वें नंबर पर थे, 12वें डॉक्टर थे सर, जिनके पास मैं आया था, पूरी तरह ठीक हो गया। मैं अपनी जर्नी भी बताऊँगा आपको अलग से, सर के साथ शेयर करूँगा मैं। तो ये कैंसर वाले जो आपने बात की, मुझे अपनी ये सारी कहानी याद आ गई। सर इस बीमारी में टीबी की भी दवा चलती है, क्योंकि मैं खुद पेशेंट रह चुका हूँ, तो मेरी भी टीबी की दवा चली है सर 6 महीने, जबकि रिपोर्ट में टीबी नहीं आया था। तो सर ये कितना यूज़फुल है टीबी की दवा इस बीमारी में, क्या टीबी हो भी जाता है? एक्चुअली बहुत यूज़फुल नहीं है। एक पुरानी धारणा चलती थी कि जिसमें कुछ नहीं समझ आता था, तो उस टाइम पर कई बार दवाई देने से, टीबी की दवाई देने से पेशेंट को थोड़ा टेम्परेरी आराम हो जाता है एंटीबायोटिक लॉन्ग टर्म पे, पर अगर वो वहाँ पे टीबी का बैक्टीरिया है ही नहीं, कारण कुछ और है, हम टीबी की दवा देंगे तो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मेडिसिन है। एक तो वो दवाई रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी उसके लिए, कल को असली टीबी होगा तो उसमें काम नहीं करेगी। दूसरी बात, क्योंकि बीमारी फिस्टुला है तो वो नुकसान उसको ठीक होना नहीं है, उल्टा हो सकता है लीवर पे नुकसान कर दे, कुछ और कर दे, तो एक रिस्क जो है बड़ा गार्डेड रिस्क लेना पड़ता है, जहाँ बहुत हाई सस्पिशन हो कि समझ आ रही है कि हाँ भाई देखने में 100% टीबी लग रहा है, फिर तो टीबी की दवाई दे दो अगर रिपोर्ट में नहीं भी आ रहा। हालांकि आजकल वो भी रिकमेंड नहीं करते, बट इन सम रेयर केसेस अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। बट इन जनरल कि सोचो कि फिस्टुला मेरे से ठीक नहीं हो रहा और मैं टीबी की दवाई दे दूँ, वो एक अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी रिपोर्ट में आ गया तो ज़रूर दो, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मे बी कॉज पहले फिस्टुला को ट्रीट कर लो, कॉज ट्रीट कर लो, कॉज ठीक हो गया उसके बाद भी अगर फिस्टुला बच रहा है या कोई रीज़न है उसके बाद नहीं ठीक हो रहा, तो देन देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आप उसको ट्राई कर सकते हो। आइडली नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बायोप्सी में ना आए इसका कोई मतलब नहीं है। तो सर ये क्या एक तुक्का मारना होगा कि टीबी रिपोर्ट में आए नहीं, चलो टीबी की दवा चला देते नहीं, ऐसा सोचना गलत है। अच्छा। डॉक्टर आपको हेल्प करना चाहते हैं, दे वांट, कोई भी डॉक्टर है वो चाहता है कि आप ठीक हो जाओ, तो
उसको जब कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो वो कहता है कि हाँ शायद टीबी ना हो, तो वो उस हिसाब से एम्पेरिकली ट्रीटमेंट दे देते हैं अच्छा जिसको गलत नहीं गिनना चाहिए। बट यही है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ठीक नहीं हो रहा तो और ज़्यादा इवेलुएट करके उसको और अच्छे से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हाँ आप सब कुछ लग ही रहा है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो देन यू कैन थिंक ऑफ गिविंग दिस मेडिकेशन। सर पर कुछ लोग मैंने इस आज तक कभी भी एम्पेरिकली इसको चालू नहीं किया। अच्छा रादर जो लोग शुरू कर जस्ट शुरू में की होती है, अगर आप आज कल में शुरू करिए दवाई या 15-20 दिन पहले, तो मैं उनको बोलता हूँ आप छोड़ दो मत खाओ। पर जिन्होंने बहुत टाइम से खा रहे हैं, 3-4-6 महीने हो गए खाते, फिर मैं उनको बोलता हूँ आप अपना कोर्स पूरा कर लो। तो इसका कोर्स सर जो कोई मेजर 6 महीने का कोर्स चलाता है, 6 महीने कोर्स होता है कम से कम इसका। अच्छा सर कुछ लोगों के सवाल रहते हैं कि वो नॉनवेज नहीं खाते, वो वेजिटेरियन है, फिर भी उनको फिस्टूला हो गया। तो वो कहते हैं यार नॉनवेज मैंने सुना है नॉनवेज खाने से होता है, नॉनवेज नहीं खाया फिर भी फिस्टूला हो गया, मैंने तो ये नहीं कैसे हो बोला गया? आपको कि नॉनवेज खाने से नहीं होता है, हाँ ठीक है, किसी को भी हो सकता है। समझिए हाँ एक बात कि ये एक मिथ्स फैली हुई है नॉनवेज। हाँ नॉनवेज वालों में थोड़ा सा ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, आप साइंटिफिकली समझ लो कि जी जो ज़्यादा प्रोटीन खाएगा उसको कब्ज़ होने के ज़्यादा चांस है। जी कौन नॉनवेज आमतौर पर स्पाइसी भी रहता है, हाँ तो दोनों चीज़ें दोनों फैक्टर्स अगेंस्ट हो गए, ठीक है। अब वो कॉन्स्टिपेशन हुई तो इंजरी होएगी एंड डेट लीड्स टू दिस। बट अब आप उसको लेबल कर दो कि भाई नॉनवेज वालों में नहीं होगा और नॉनवेज वालों में जो वेजिटेरियन है उनमें नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3-3 महीने का बच्चे ने क्या नॉनवेज खा लिया होता हाँ है, 3 महीने के बच्चे ने क्या तीन नॉनवेज साल खा का लिया? बच्चा कितना नॉनवेज खा गया होगा कि उसको फिस्टूला हो गया। सो इट इज़ बिकॉज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिपेशन एंड इंजरी, एंड समटाइम्स इट इज़ कंजेनिटल छोटे बच्चों में, बट आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड ही होते हैं। तो सेल्फ ब्लेम या ये वाली चीज़ें करने से अच्छा है कि उसका इलाज किया जाए और फालतू उन चीज़ों में समय ना वेस्ट किया जाए। सर इस बीमारी से जुड़ी जानकारी बहुत सारी जानकारी किताबों में है, इंटरनेट पे मौजूद है, वो कितना सही है कितना गलत है, कितना एक धारणा के तौर पे लिख दी गई है चीज़ें, क्योंकि इंटरनेट पे हमें लोग जो चीज़ें लिखते हैं वहाँ मिलती है लोगों को गूगल पे दैट पहुँचने इज़ से। ट्रू। एक्चुअली यही है कि कई बार मैं सोचता हूँ क्योंकि अब आई हैव बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, मेरे पास इतने इतने केसेस शायद वर्ल्ड में भी गिने चुने लोगों ने करे हों, या मुझे पता नहीं कि इतने करना कोई आसान काम नहीं है। बट व्हेन यू डू इट यू नो अंडरस्टैंड कि मैकेनिज्म अलग है, किताबों में भी दिए हुए हैं, पर जो मैकेनिज्म बुक्स में दिए हुए हैं वो 5% 10% केसेस में है, जी बाकी 90% में एटियोलॉजी ही अलग है। अब उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, उसे ट्रीट नहीं करेंगे, कारण कोई जब तो देर इज़ गुड चांसेस, और ऐसा नहीं है वो। और लिटरेचर इसको हम बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं कर सकते जो इतने पुराने हैं, बट डेफिनेटली वी कैन पुट अवर रिव्यू आर्टिकल, हम अपनी चीज़ें बताते हैं कि दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। आगे कभी किसी को समझ आएगी, बुक्स भी चेंज हो जाएंगी। तो मुझे लगता है, हालांकि मैं भी सर मैं चूँकि पेशेंट रहा हूँ तो मुझे अपना मेरा अपना तजुर्बा है। मैं जब फिस्टूला मुझे हो गया था, जब मुझे डायग्नोसिस हुआ और MRI में निकला, तो मैं गूगल पे खुद बहुत जाता था, गूगल से जानकारी लेता था, तो मैं बहुत डर जाता था गूगल से। गूगल में कई बार मैं फिस्टूला को जब सर्च करता तो उसमें कैंसर आता था, तो कैंसर जब लिखता था तो मैं बिल्कुल एकदम पसीने से तरबतर हो जाता था कि लग रहा है कैंसर तो मुझे नहीं हो गया। तो सर आपका एक डॉक्टर होने के नाते आपका क्या सुझाव रहेगा कि डॉक्टर से मिले ना कि गूगल पे भरोसा करें जो गूगल आपको ये बता रहा है बिल्कुल क्या सही नहीं? बात है। देखो कैंसर होना मैं नहीं कह सकता कि नहीं होगा, किसी में नहीं होगा, बट वो 1000 में से 1 में होना है, और आप उस एक अपने आप को अगर उसमें गिन रहे हो तो फिर बहुत फुलिशनेस है ये। मतलब तो आउट ऑफ जो रेयरेस्ट थिंग्स की तरफ सोचने की जगह जो कॉमन थिंग्स हैं उसको ठीक करना चाहिए, एंड अगर आपने टाइमली उसको ट्रीट किया तो आप मान के चलो नहीं होना, और अगर है तो उसका भी इलाज है। ऐसा तो नहीं है कि उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज थोड़ा अलग तरह का है और और तरह का है उसमें। उसमें वो पूरा पार्ट ही निकाल देते हैं, टॉयलेट का रास्ता पेट में बनाते हैं या रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी देते हैं, उसमें भी कई बार टाइटनेस आ जाती है, बट डेट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। पर आप मान के चलो कि अगर 100 पेशेंट आए हैं फिस्टुला के, उसमें 0.1% या 1% चांस गिन लो, इससे अच्छा ज़्यादा नहीं। तो इसलिए हर एक अपने आप को उसमें डालने की जगह अपने आप को उसमें डालो कि जो ठीक हो सकते हैं और इलाज कराओ, और ना कि उसको कन्वर्ट होने का मौका दो। एंड स्ट्रेस होना बहुत नेचुरल, देखो आप इतने एजुकेटेड हो, आपके पसीने निकल रहे हैं अगर वो पढ़ के, तो जो लोग नॉर्मल लोग हैं कॉमन आदमी हैं जिसको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो वो तो और ज़्यादा परेशान होते हैं।
लोग ऐसे पेशेंट आते हैं बिल्कुल सुसाइडल थॉट्स आई होती है मन में बिल्कुल कि हम तो बचना ही नहीं है अब तो, मेरा को मेरा तो मन करता है कुछ भी करता है। आपके साथ भी कई लोगों के फ़ोन भी आते हाँ होंगे बिल्कुल कई बिल्कुल बार, बिल्कुल बहुत सारे फोन एंड आते हैं बस। इट इज़ अ वेरी मच नेचुरल, एंड इन लोगों को देख के कई बार आपका मन भी पसीज जाता है कि यार कैसे गाइड करो, कैसे कितना समझा हाँ सकते हैं, बिल्कुल तो मन में बैठा के ही बैठे हो आप, बट स्टिल अवेयरनेस करना हमारा काम है, तो वो हम करते हैं कि भाई समझो कि ऐसा नहीं है, कंसर्वेंसर से दिमाग हटाओ, तकलीफ़ है बट मैनेजेबल है, इतनी तकलीफ़ें ठीक हुई हैं आज तक, ये भी हो जाएगी। लेकिन अपने डॉक्टर पर भरोसा करें, कहीं ना कहीं सर का यही कहना है कि डॉक्टर पर भरोसा करें, गूगल पर भरोसा ना करें। गूगल पे जाते हैं बहुत सारी चीज़ें हम खोजते हैं, जितना डीप जाते जाते हैं ना हमें जो जो जानकारी मिलती है हम उसे और डर जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जाँच से पहले और जाँच के बाद में डॉक्टर के पास जाने के बजाय बहुत ज़्यादा गूगल करता था, गूगल में मुझे कैंसर के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिली तो मुझे लगा कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। तो आप गूगल छोड़ें, अगर बीमारी आपकी फाइंड आउट हो रही है या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तकलीफ है तो डॉक्टर से मिलें, गूगल पर भरोसा कम करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर इस बीमारी के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, तो कुछ मिथ आप बताएंगे क्या क्या मिथ लोग मिथ लेके आते बताऊंगा, हैं? पहले हम जो ये बात कर रहे थे जी अबाउट दिस कि ये गूगल, फिर गूगल से आप कई बार पढ़ लेते हो ये टेक्निक हाँ वो टेक्निक हाँ कि ये ऐसी टेक्निक कर देंगे, ऐसे घूम कर जाएंगे, ऐसे उल्टा लटक के उसके अंदर पता नहीं क्या कर देंगे, जी ये सब चीज़ें आप चलो पढ़ भी लोगे, आप सीख भी लोगे मेरे से आके बैठ के कि सर आप क्या करोगे, क्या आप अपनी सर्जरी खुद कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर नहीं पाओगे कर ना, पाऊंगा। वो करने तो किसी ना किसी नहीं है हाँ आप, बिल्कुल तो देन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज़ राइट, अगर आपको लगता है कि तो वो कर लो, अंदर सीखने की कोशिश मत करो, जो डॉक्टर जो भी अगर कोई कर रहा है इसका इलाज तो वो आपके भले के लिए कर रहा है, ठीक करने के लिए कर रहा है, हो सकता है वो आपको ठीक कर पाए, हो सकता है ना कर पाए, ये पॉसिबिलिटी है, कोई भी इलाज करते हैं 100 के 100 मरीज अगर जाते हैं इलाज होने तो 100 के 100 नहीं ठीक होते, 90 भी ठीक हो जाते हैं तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट गिना जाता है, ठीक है, और मान के चलो कि अगर सही तरीका से इलाज होगा तो इसमें 100% ही ठीक होने हैं, ठीक होना है। ठीक है, बट फिर भी हमें ये 10% बोल के चलना पड़ता है, कई बार किसी की हीलिंग का इशू है, कई बार वो आ ही नहीं पाया, कई बार बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही दवाइयों को, जी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कई बार जी आपकी डाइट, कई बार बहुत सारी चीज़ें, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है विच कैन चेंज द थिंग्स, बट इन जनरल जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत बहुत ख़राब पेशेंट ठीक होके जाते हैं तो हम तो हमें बुरा लगता है कि अगर वो सिंपल वाला या मीडियम वाला पेशेंट या अपने आप को हार के बैठ जाए कि पता नहीं, और या ज़्यादा ही अपना गूगल करके परेशान हो के अपना ट्रीटमेंट छोड़ दे, विच इज़ नॉट राइट, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर को अपनी परेशानी बताएं, वो आपको ठीक करेंगे। सर मिथ के बारे में कुछ आप बताने वाले थे, मिथ इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं आपके पास, बहुत सारे लोग आते होंगे मिथ लेके कि ये बताया गया वो बताया गया। इससे जुड़ा एक और सवाल है सर, इसी से जुड़ा कि कुछ लोग इसका इलाज जड़ी बूटी से भी करते हैं, केले की इसमें जड़ का की बात आती केले है, की जड़ क्या बोल रहे हैं, केले की जड़ का कुछ अगर आपके पास वैसा कुछ एक्सपीरियंस हो जो कोई पेशेंट ऐसा आया हो ठीक जो केले की जड़ की बात कर रहा हो, चूर्ण खिलाने की बात आती है, चूने वाला कोई ट्रीटमेंट होता है सर हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे। चूना हाँ ट्रीटमेंट तो चूना मैंने नहीं ट्रीटमेंट बोलता, एक तो पेशेंट हमारे पास आया, उसको बेचारे को पाइस थी, ठीक जी है, और उसको चूना दे दिया लगाने के लिए, और पूरी के पूरे रेनल कैनाल में उसने चूना लगा लिया, और आप सोचो कि क्या हुआ होगा, पूरी की पूरी रेनल कैनाल अल्सरेटेड, ओहो गैंग्रीनस पूरा जो वो थे वो हो रखे हैं चेंजेस, हाँ एंड और टाइम लगा उसको ठीक करने में, बट वो ठीक होकर चला गया, बट एक एक मिनट की गलती में और या इजी या सस्ता इलाज के चक्कर में वो आदमी कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया। ठीक है, एंड मतलब स्ट्रॉन्ग विल था तो वो इलाज करा पाया, नहीं तो थोड़ा वीक विल वाला होता तो वो और परेशान हो जाता, बिल्कुल वो तो जब बोलता है ना कि हम सुसाइडल टेंडेंसी, हाँ बिल्कुल वो मतलब मैं खुद हैरान था कि किस तरह से उसने इतना इतना कांस्टेंट जला हुआ वो एरिया और अपनी मूर्खता से जलाया हुए एरिया को कैसे चलाया होगा उसने, फिर ये जड़ी बूटी जो बता रहे हैं, हाँ जड़ी जड़ी बूटी बूटी है, बहुत सारे पेशेंट जड़ी बूटी, हर चीज़ में जड़ी बूटी का इलाज है, हाँ आपके सिर के बाल नहीं आ रहे तो जड़ी जड़ी बूटी, बूटी आपका कुछ भी एक्स वाई हाँ जेड, ठीक है, शादी नहीं हो रही तो जड़ी जड़ी बूटी से, बूटी तो पता नहीं क्या क्या, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कुछ तो रेशन किसी चीज़ का होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और फिर भी करना है तो करिए, कौन कौन मना नहीं कर सकता, बट दिस डू नॉट वर्क, नुकसान उल्टा और कर सकता,
तो चूर्ण पे भरोसा ना करें, चूना पे भरोसा ना करें, केले पे भरोसा ना करें, अपने डॉक्टर से मिलें, साइंस पे हाँ भरोसा केला करें। या फाइबर मैं फिर भी मान लूंगा कि शायद थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन किसी की टेम्परेरी हाँ ठीक कर दी, बट जी आई कितने दिन वो कहाँ कहाँ कैसे करते रहोगे, उससे अच्छा बिल्कुल, ये सब गोल खा लो। हाँ ये सब भूल खा लें। हाँ एक ही हाँ बात हो गई, अब क्यों मूर्ख बनना है इतना, कहाँ जड़ी बूटियाँ ढूंढोगे जहाँ से। बिल्कुल, साइंस पे भरोसा करना पड़ेगा, साइंस ही ठीक करेगा। सर कुछ लोगों के सवाल रहते हैं कि जैसे सर्जरी हो जाती है, अगर वो दिल्ली सर्जरी कराने आते हैं तो फिर उनकी सर्जरी होती है, आपके पास आते हैं, फिर कहीं भी जाते हैं, तो सर्जरी होने के कितने दिन तक उनको दिल्ली रुकना होता है? कुछ लोग को लगता है कि हम आएंगे, अगर सर ने 4 सीटिंग बोली है, 6 बोली है, तो 6 तक मुझे दिल्ली रुकना होगा क्या, 4 सीटिंग तक दिल्ली रुकना होगा नहीं ऐसा नहीं है, आपने आना है कराना है चले जाना है, क्या? इसीलिए इतने सारे नंबर दिए जाते हैं कि आपस में बात करके अपने आप समझ लो उनसे। बहुत लोग अच्छे गाइड कर देते हैं, बट अगर आप उनके साथ क्लेवरनेस दिखाओगे उनको, तो आप सोचोगे तुम्हारे वीडियो झूठे हैं, तुम ये कर रहे हो, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, फिर कोई तुम्हें गाइड नहीं कर सकता, फिर बिल्कुल भगवान ही करेगा, और जो वो करेगा फिर उसके भरोसे चलो, वो भी बिल्कुल, नहीं करेगा, वो भी कहेगा कि तुम कहीं तो तुम्हें जाके लेटना ही पड़ेगा ना इलाज हाँ कराने के हाँ लिए। हाँ मतलब दिल्ली आके सर्जरी करा के जा सकते हैं वो लोग। बिल्कुल, आज का आएँ कराएँ, अगले दिन ज़्यादातर लोग चले जाते हैं, किसी को 2 दिन 3 दिन भी रखता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो चाहे सिंपल हो, 1 दिन में। हाँ जिसने कभी सर्जरी नहीं कराई उनको कई बार मैं 2 दिन 3 दिन भी रख लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने उन्हें आइडिया नहीं होता कि कैसे किस तरह से मैनेज करना है, छोटी मोटी चीज़ें उनके लिए छोटी चीज़ भी बड़ी लगती है उन्हें, तो इन डैट केस कई बार हम एक्स्ट्रा 1 2 दिन रख लेते हैं। सर एक सवाल और भी लोग पूछते हैं इससे जुड़ा हुआ कि एक सर्जरी करा ली तो दूसरी सर्जरी कितने दिन बाद सर करते हैं, कितना टाइम लगता है उसमें? फर्स्ट सर्जरी आमतौर पर मेन होती है, जी उसके बाद आगे की सर्जरीज ज़रूरत है जिन केसेस में, सभी पेशेंट में तो सेकंड सर्जरी भी नहीं होनी, जी 70% में तो फर्स्ट में ख़त्म हो जाना जी है, 10-20% ऐसे होंगे जिसमें 2 या 3 सीटिंग होंगी, 5-7% ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा सीटिंग्स लगनी होंगी, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छा ठीक है, उनको 3-3 हफ्ते महीने के गैप में बुलाते हैं, कई बार आना पॉसिबल नहीं होता, बाहर की कंट्री से आ रहे हैं, इतनी जल्दी से नहीं आ पा रहे होते, महीना 1.5 महीना 2 2 महीने बाद भी आते हैं, तो हम उनको ये नहीं कहते कि आपने क्यों इतना लेट किया, दे कैन वेट, बट यही है कि अगर उतना ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, ठीक है। इस दरम्यान बीच में हमारे पास एक, मैं बता रहा हूँ जिस टाइम पे कोविड की बात है, एक सर्जन थे, कुछ जी सर्जन थे, वो जी न्यूरो सर्जन थे, अच्छा, जर्मनी से आते थे, जर्मन से आते हैं, जर्मनी से आते न्यूरो थे, सर्जन थे, न्यूरो न्यूरो सर्जन था, सर्जन है। एंड ही हैड दिस फिस्टुला, उन्होंने जर्मनी में बेस्ट टू बेस्ट हर एक से उसने बात की, मतलब आप सोचोगे डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, मतलब एक सर्जरी का ही 10-10 लाख 20-20 लाख खर्चा था वहाँ पे, और उसके बाद भी पता नहीं था कि वो कभी ठीक होने के लिए होने, विद 50% रिकरेंस रेट्स। फिर वो अपने हमारे पास आए यहाँ पे, समहाउ कैसे सर्च किया उन्होंने मुझे नहीं पता, आए, बट बैड लक ये था कि जैसे ही उन्होंने फर्स्ट सिटिंग करी कोविड आ गया, उसके बाद वो पूरा साल नहीं आ पाया, साल बाद भी आए, फिर उसके बाद 2-3 सीटिंग करी और तब उनका ख़त्म हुआ। अच्छा सो यू कैन वेट, कितना भी वेट कर सकते हो, बट हाँ टच में रहो, कुछ गड़बड़ हो रही है तो गाइडेंस लेते रहो, बट इतना बहुत लंबा वेट करने में आप, क्योंकि वो सर्जन थे तो वो मैनेज कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें समझ सकते हैं, बट बींग ए नॉर्मल पर्सन इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड कि हाँ आप क्या केयर करनी है, तो बेटर है 3 हफ्ते 1 मंथ में जैसे जैसे बुलाया जाता है वैसे फॉलो कर लो, ताकि टाइमली ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए, बहुत लंबा भी हम घाव को नहीं छोड़ सकते। सर सबसे बड़ी बात तो आपकी टीम बहुत अच्छी है, सर की टीम है पूरी एक है, आप कभी सर से आके मिलेंगे, आप इलाज करवाएंगे तो टीम से भी मिलेंगे, आपकी टीम सर जो लोग बाहर के पेशेंट होते हैं जो दूर दूर से आते हैं वो अपना सर्जरी करा के अपने चले जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट सर्जरी की डेट अगर होती है, अगर वो एक बार में ठीक हो गए तो हो गए, नहीं तो अगर दूसरी सर्जरी है या फिर पहली सर्जरी में ही ठीक हो उनको होना है, तो बाहर के पेशेंट टीम मेंबर सर के टीम मेंबर से बात कर सकते हैं, कोई भी इशू होता है वो फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, यहाँ से उसका जवाब दिया जाता है, कोई मेडिसिन बंद करनी है, चालू करनी है, कोई मेडिसिन से रिएक्शन हो गया है या फिर ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी तरह का कोई है, कोई परेशानी है, कोई सवाल है, तो टीम सर आपकी जो है ना वो बहुत कोऑपरेट करती है इसमें। मैंने इलाज करवाया तो मैं भी बाहर से चीज़ें पूछता था डेफिनेटली बहुत सारा। बहुत ही कंपैशनेट हैं, एंड मतलब आई फील ब्लेस्ड कि इतने मेहनती और अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेहनत, तो देखो हर तरह के लोग, टू अंडरस्टैंड कि आप पेन में हो डिस्कम्फर्ट में हो,
उस टाइम पे अपने आप को काम रख के आपको गाइड करना बड़ी चीज़ होती है। एंड फॉर उनके लिए तो रोज कितने कितने पेशेंट हैं, बिल्कुल आपके लिए तो एक बीमारी है, आप सफर हाँ करो, हाँ और उनके लिए पर बोझ भी होता है, सब कुछ होता है, बट दे डू इट वेरी वेल। एंड उन्हीं की सबकी मेहनत, कंबाइंड मेहनत है जिससे आप ठीक हो पाते हैं। बिल्कुल ओके, तो इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। बिल्कुल टीम वर्क। और आपकी टीम मतलब वाकई में मतलब बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद बधाई के पात्र है कि वो इतनी मदद करती है लोगों की जो दूर से आते हैं, इलाज कराते हैं, सर्जरी करा के चले जाते हैं, वो कॉल पे मैसेज पे एक चीज़ की जानकारी देते हैं। रात को 12 बजे भी कॉल आता है तो वो रिवर्ट कर इधर से करते हाँ, हैं, मैसेज नॉर्मली मैं आता रिकमेंड नहीं करता कि इतनी लेट कॉल करो। है अगर आपको कुछ छोटी मोटी क्वेरी है तो रात को मैसेज कर दो, क्योंकि तो। दे आर ऑन टोस्ट 24 आवर्स। सही पर बात अगर आप है, बिना ज़रूरत की क्वेरीज और ऐसे ही छोटी सी चीज़ पूछने के लिए करोगे तो जब आपको राइट ज़रूरत पड़ेगी प्रोबेबली उनको लगेगा कि शायद ये ऐसे ही छोटी सी बात के लिए फ़ोन किया बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो आई बिल्कुल डोंट वांट कि आप इस तरह से, रादर ऐसा कुछ है, जस्ट टेल देम टेक द टाइम एंड मॉर्निंग टाइम में करा जाए। बट हाँ, एमरजेंसी है तो 24 आवर्स टीम अवेलेबल रहती है। सर। कोई ऐसा केस जो बहुत चैलेंजिंग हो, या फिर आपके लिए हर केस ही चैलेंजिंग होते हैं, कुछ बहुत चैलेंजिंग, कुछ ऐसे केसेस हैं कुछ याद है आपको जिनको ठीक करना बड़ा मुश्किल लग रहा था आपको? बहुत सारे, ऑलमोस्ट देखो हर पेशेंट के लिए तो एक ही पहली बीमारी है। हर हाँ पेशेंट को एक्चुअली दे कम विद सच ए बिग होप कि वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, एंड उनको ठीक करना, इट्स नॉट जस्ट प्रेशर के लिए तो ठीक है, मैं तो मना भी कर सकता हूँ कि नहीं भी मैं नहीं करूँगा, तुम्हारे दिमाग में इतना है तो। बट पॉइंट ये है कि जब वो ठीक होके जा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं तो हम समहाउ कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके इनका काम करें, ताकि एक इंडिविजुअल जो किसी होप के साथ आया है वो ठीक होके जाए। बट हाँ, हर तरह के स्पेक्ट्रम के पेशेंट आए हैं, मतलब फिस्टुला हैज़ गॉन अप टू किसी को टीबी बोल दिया, टीबी की दवाई खा रहे हैं सालों, 6 6 महीने, साल साल से, और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, फिर आए हैं पूरी पूरी दोनों हिप्स गल गई हैं, किसी का फिस्टुला रीढ़ की हड्डी तक चला गया, किसी का हिप बोन के अंदर तक चला गया, किसी का थाइज में पहुँच गया, जी किसी का टेस्टिस में, स्क्रोटम में, फीमेल्स में वजाइना के अंदर जाके फट गया, इस तरह के केसेस आते हैं। फीमेल एक में ब्लैडर के अंदर तक पहुंच गया था, यूरिनरी ब्लैडर में बहुत रेयर है, वहाँ तक भी पहुंच सकता है। सो दिस टाइप ऑफ केशेंट्स आए हैं और ठीक होके गए हैं, ठीक होकर सो गया दैट वो। मेक्स अस मोर कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं है कि हमें उससे कि हमने ये ठीक कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं है, इससे हमें सिर्फ ये मिलता है कि हाँ भाई, अगर ऐसे वाले ठीक हो गए हैं तो जो नॉर्मल आते हैं या मीडियम आते हैं तो हम और कॉन्फिडेंटली उनको बोलते हैं कि तुमने तो ठीक होना ही है, जब वैसे वाला ठीक हुआ है तो तुम क्यों डर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, एंड देन दैट बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड वी कैन से मोर कॉन्फिडेंटली कि हाँ भाई, मत डरो, इट कैन बी मैनेज्ड। बट हाँ, बहुत सारे और कई बार बहुत टेढ़े पेशेंट होते हैं, मैं उनको यही बोल के चलता हूँ कि देखो, मुश्किल से मुश्किल मैं करता हूँ, हो सकता है, पर आपका उन सबसे मुश्किल वालों में है, एंड देन लेट्स सी क्या होता है। काम करेंगे तभी चांस है ठीक होने का, नहीं करेंगे फिर तो पता ही ठीक नहीं होना। सही बात है सर। अपने चैनल पे जो वीडियो डालते हैं, पेशेंट्स यहाँ इलाज कराते हैं, ठीक होते हैं, फिर उनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव जो है, वो डॉक्टर साहब शेयर करते हैं, वहाँ से भी एक दूसरे से पेशेंट्स बात करते हैं जो ठीक हो चुके हैं, उनसे बात करते हैं, उनका नंबर शेयर होता है, वहाँ से जानकारी मिल जाती है। तो उसको शेयर करने का उद्देश्य यही है कि जो इससे पीड़ित है, जो पेशेंट कहीं ठीक नहीं हो रहा है, अब जाके पता चला कि फिस्तुला है, वो बात करके, जो ठीक हुए हैं उनसे बात करके इस बीमारी के बारे में जान सकता है, बेहतर राय ले सकता है, उनके अनुभव जान सकता है। सर, ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि लोग डिप्रेशन, एंगजाइटी के भी शिकार हो जाते हैं, तो इस पे डेफिनेटली क्या यार, सुझाव आपका रहेगा जिनको फिस्तुला हो गया है, एक बार हो के ठीक हो चुका है, या फिर जिनको फिस्तुला हो चुका है, कई जगह बहुत सारे लोग कई जगह इलाज भी करा चुके हैं, सर्जरी करा चुके हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं, तो जो लोग इस तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं सर, मेरे पास बीच में कल परसों कॉल आया था सर, बिहार के पटना से एक लड़का था, नया लड़का था, नई उम्र का लड़का था, उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया, बहुत बीमार हो गया हूँ, कई जगह दिखाया ठीक नहीं हो रहा हूँ, जीने का मन नहीं है, उम्मीद छोड़ चुका हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सर, क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज तो देखो काउंसलिंग की ही ज़रूरत है और एक रीएश्योरेंस की ज़रूरत है, और मेरे से ज़्यादा आप लोग उनकी मदद कर सकते हैं बिल्कुल अगर वो आप पे विश्वास करें तो। क्योंकि हाँ अगर वो सोचे कि ये वीडियो फेक है या झूठा है और इस तरह के मेंटेलिटी के साथ जाएंगे तो आपका भी मन नहीं करेगा उनसे हाँ बात बिल्कुल करने का। बिल्कुल सर ठीक है, और ऐसे पेशेंट को मैं ट्रीट करना ही पसंद नहीं करूँगा, हाँ क्योंकि इतनी मेहनत करके आप उनको समझा रहे हो, फिर एंड में आप इस तरह की बिल्कुल फूहड़ सी बात कर दो हाँ जिससे
आपका भी मन दुख जाए, इससे अच्छा कि वो लोगों को हमारे पास ना ही पहुँचे तो बेटर है। बट हाँ, जो डिप्रेशन में गए हैं बहुत मॉरल सपोर्ट करते हैं हम उनको, और पेशेंट टू पेशेंट भी काफ़ी सारे हैं, जैसे आप हैं या बहुत सारे पेशेंट्स एक दूसरे को मॉरली अप करते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स उतने हाई लेवल तक जाके नहीं समझ पाते बीमारी को, मतलब देखो वो ठीक तो होके चले गए हैं, पर समझ, हर आदमी की पर्सनैलिटी अलग है। कोई उसको लाइटली हंसते हंसते बीमारी को झेल जाता है और कोई बहुत रो रो के झेलता है। अब वो रोने वाला किसी हंसते के हाथ में पड़ गया कि वो तो बड़ा खुश है और वो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वो और डिप्रेशन में चला जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस बंदे से कितनी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये नहीं कि हर चीज़ को उस तरह से समझना। हालांकि सबका एटीट्यूड यही है कि आप ठीक हो, जो एक बार इस चीज़ से निकला है उसकी, अब आप अपना केस ही ले लो कि आपका कितना खुद का अंदर से मन है कि अगर आप ठीक हुए तो आपके आसपास वाले या जो भी आपसे जानकारी लें वो ठीक हो के जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो यही एटीट्यूड फॉर योर, जैसा आपका है तो डॉक्टर का तो आपसे और ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। बस ये समझने की ज़रूरत है, और मन की शंकाएँ बहुत होती हैं और इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। बट हर शंका को अगर चलेंगे तो फिर आप खड़े भी नहीं हो सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते। अगर आप गिरने का सोचोगे और आप लड़खड़ाओगे, गिरोगे ही गिरोगे। मैं लगभग जून मेरी पहली सर्जरी हुई और अगस्त में लास्ट सर्जरी हो गई, और इस बीच मैं ठीक हो गया। 4 महीने में लगभग मैं ठीक हो गया था, उसके बाद हीलिंग मेरी हो रही थी। तो ये जो बीमारी है इसमें दर्द जब होता है तो ऐसा लगता है ना कि आदमी टूट सा गया है। कई बार लगता है कि ठीक होंगे नहीं होंगे, मन में सवाल आएंगे, स्वाभाविक है, सबके मन में आते हैं। कई बार लगेगा कि यार बहुत लंबा इलाज हो गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ, पता नहीं आगे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। ये बात जो आप बोल रहे हो, ये लास्ट लास्ट की सेटिंग, पेशेंट ऑलमोस्ट पूरा ठीक हो गया, फिस्टुला खत्म है, लास्ट लेग ऑफ रिकवरी है, 15-20 दिन महीने में पूरा ख़त्म ही हो जाना वाला है, वो भी ऐसी डिप्रेशन वाली बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत सेक्रेशन है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट है, उन्हें ऐसा डर लगा ही रहता है। अब मैं 1000 बार बोल दूँ कि नहीं भाई फिस्टुला निकल चुका है, अब सिर्फ हीलिंग पार्ट है, तो थोड़ा फेथ रखो, ये भी निकल जाएगा, वो समय निकालने की बात है। एंड इट इज़ नॉट विद वन पेशेंट, सो मैनी पेशेंट्स, बड़े बड़े अच्छे अच्छे समझदार लोग भी डगमगा जाते हैं, डगमगा जाते हैं। पर डगमगाना नहीं है, जब मुश्किल पार्ट निकल गया तो इजी पार्ट भी निकल जाना है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब अक्सर यही समझाते हैं, जब भी एक सर्जरी करते हैं एक के बाद दूसरे के नंबर आते हैं, ये कहते हैं कि मुश्किल पार्ट निकल चुका है, अब जो है वो बहुत हल्का है, उसको भी ठीक कर देना है। तो ये मन में ये सवाल आएगा, कई बार शंकाएँ आएंगी, ठीक होंगे नहीं होंगे, आप टूटेंगे फिर जुड़ेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं हमेशा एक ही बात बोलूँगा, ठीक होना है, चाहे रो के हो लो, टेंशन ले के हो लो, चाहे खुश रह के हो लो, अब आपकी चॉइस है कि आपने वो 4-6 महीने, 2 महीने या महीना कैसे निकालना, कैसे निकालना है वो आपकी चॉइस है। आपको परेशान हो गया निकालना, आप निकाल लो, खुद भी परेशान हो गए, आसपास वाले भी परेशान हो। हाँ, आपको कोई तकलीफ हो रही है तो उसकी बात करो, और उसका जो भी हल हम निकाल रहे होंगे वो निकलेगा, और कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसे कुछ नहीं है। कुछ तकलीफ होनी है ठीक होने के लिए, और उसको सहने के लिए तैयार हो तभी ट्रीटमेंट कराओ। बिल्कुल, तो डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा, एनजाइटी पालने से कुछ नहीं होगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको माइंड मेकअप कर लेना होगा कि मुझे इस बीमारी से लड़ना है, ठीक होना है, क्योंकि आगे बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है। इलाज का जो 3-4 महीने का वक्त होता है, मैक्सिमम 4-5 महीने, वो तो बीमारी के हिसाब से होता है कि किसको कितना टाइम लगेगा। अगर अपनी सोच ले कि मुझे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आगे मेरी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है, अच्छी होगी, तो दवाई के इलाज के दौरान आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना होगा। पॉजिटिव रहेंगे तो जल्दी ठीक होंगे, और ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि मन से ही आप जीत सकते हैं। सर एक सवाल लास्ट में ये है मेरा कि तमाम डॉक्टर्स बीमारी का इलाज करते हैं, उनके पास भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारे नई मशीनें हैं, हर चीज़ है, लेकिन वो पेशेंट को कुछ ठीक भी कर देते हैं, लेकिन तमाम पेशेंट्स ऐसे आते हैं ना जो कई जगह इलाज करा चुके होते हैं, फिर वो आपके पास आते हैं, बहुत डॉक्टर से मिल चुके होते हैं, ठीक नहीं होते, फिर आपके पास आखिरी में एक होप लेके, उम्मीद लेके आते हैं, बाकी जगहों से उम्मीद खो चुके होते हैं। मैं भी उनमें से एक पेशेंट था, जब मैं उम्मीद सारी खो चुका था, मैं दिल्ली के 3 डॉक्टरों से मिला, उन्होंने मुझे बोला कि मल्टीपल सर्जरी करेंगे, आप ठीक होंगे नहीं होंगे हम नहीं कह सकते। मैंने कहा जब आप इतनी सारी सर्जरी करेंगे तो कम से कम ये भरोसा तो मुझे दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँगा, तो खैर हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी उम्मीद वहीं से टूट गई, मैं बैठा हुआ था फफक के, मैं रोने लगा, आँख से आंसू गिरने लगे, ऐसा लगा कि पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकेगा, अभी आप तो कुछ बचा नहीं है। फिर मैंने सोचा कि उम्र ही क्या हुई है, जीवन में बहुत कुछ करना है, अभी तो जीना है मुझे। तो लास्ट होप लेके मैं आपके पास आया हुआ था कि सर के पास चलता हूँ, वही मुझे ठीक कर पाएंगे, और मैं ठीक हो गया। इससे विल पावर की बहुत ज़रूरत होती है ना, आपको मन से मजबूत होना होता है, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, तो वो आप रखेंगे तो निश्चित ठीक हो जाएंगे।
तो सर ऐसा क्या है कि पेशेंट्स और जगह इलाज कराते नहीं ठीक हो पाते, फिर वो आपके पास आके ठीक हो जाते हैं, आप ऐसा ऐसा क्या कर नहीं जाते हैं सर? है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने, मैंने बार बार यही बोलता हूँ कि ऑलमोस्ट सभी अच्छा इलाज कर रहे हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा बीमारी कॉम्प्लेक्स है, और जब तक हम वहाँ पहुँच के इलाज नहीं कर पाएंगे वो ठीक नहीं होना, ठीक है। और एवरी डॉक्टर इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट और अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कई बार मैंने आपको बताया कि हमारी साइंस में भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन हाँ, आज की डेट में ये चीज़ें, आप सोचोगे किसी चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट मोडलिटीज से ट्राई करने से इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग द डिजीज़, और हर डिजीज़, हर पेशेंट का केस अलग है, उसको उसके हिसाब से ट्रीट किया जाना। और अगर हम सोचें कि भाई हर चीज़ के अंदर एक ही चीज़ लगाते जाएं, तो वो फिर वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोई दो पेशेंट सेम नहीं है। अब हज़ारों करने के बाद भी कई बार मुझे लगता है यार एक भी दो पेशेंट सेम नहीं दिखे आज तक, तो आप समझ सकते हैं कि इतने एक्सपीरियंस के बाद मुझे, मैंने नहीं देख रहा, तो सबके लिए इतना आसान नहीं है उसको ठीक करना। तो बेर मतलब अगर पहली कोशिश है हर आदमी को अपने पास में जहाँ सही अच्छा इलाज होता है वहाँ जाके कराएं, बाई चांस नहीं हो पा रहे देर इज़ अनदर होप, सेकेंड लाइन देखें, वहाँ भी नहीं हो पा रहे यू कैन कम ओवर, दिखा के जा सकते हैं, गाइडेंस लेके जा सकते हैं, फिर जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ इलाज करिए, बट ठीक होना हो सकता है तो ज़रूर ठीक करिए, होप मत छोड़िए कि ये ठीक नहीं होना। अगर ये छोड़ ये होप छोड़ देंगे फिर ठीक करना, कोई घर आके आपको ठीक नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है। एंड सफरर आप हो, देखने में फिस्टुला का मरीज़ बिल्कुल भला चंगा दिख रहा होता है, किसी को कुछ नहीं, थोड़ी सी पस आ रही है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, पेशेंट को पता है पतला सा सैनिटरी पैड लगा के पूरी ज़िंदगी निकाल देगा, पर वो ज़िंदगी में हेल्थ भी हो रखी होती है, खाने में डर, फिर एक्स वाई जेड एन नंबर ऑफ प्रिकॉशन शुरू कर देते हैं, वो प्लीज़ मत करिए। अपने शरीर को बिना ज़रूरत के कमज़ोर मत करो, वो कुछ मदद नहीं करने वाला। आपने भी ट्राई किया होगा, हाँ बिल्कुल खाना पीना भी छोड़ दिया था, बिल्कुल, ये ना खाओ वो ना हाँ खाओ हाँ हाँ ये ना बहुत करो, बहुत 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 सारे बहुत, रिस्ट्रिक्शन हाँ बहुत, या तो लोगों ने दे दी होंगी या हो सकता है कुछ डॉक्टर्स ने भी बता दिए, बट दे डू नॉट वर्क। ऐसा नहीं है कि वो बेचारे बताते तो अपने हिसाब से सही है कि आपकी कब्ज नहीं होगी तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे, बट ज़रूरी नहीं है कि कब्ज ना होने से ही आपकी बीमारी कंट्रोल में हो जानी है। अगर इन्फेक्शन एक लिमिट क्रॉस कर चुका है तो वो बिना कब्ज के भी फैलता जाएगा अच्छा जी, ठीक है। कुछ वो मेथड से हम सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं। सर, इसमें एक चीज़ और देखा गया, मुझे अंत में याद आया कि इसमें वेट लॉस देखा गया बहुत, जिनको बीमारी हुई है उनको वेट लॉस, जिनको मतलब बीमारी हो चुकी है वो अभी इलाज शुरू नहीं करवाया तो वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है, मेरा भी हुआ था। बहुत सारे और ऐसे पेशेंट्स हैं जो इलाज के दौरान भी तो वेट लॉस होता है क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह चलती हैं, सर्जरी में खून भी निकलता है, लेकिन पहले भी, सर्जरी से पहले भी वेट लॉस सर देखा गया और इलाज के दौरान भी, तो सर वेट लॉस होना मतलब हो जाता है या फिर वो नहीं टेंशन में होता है, सब? आपने एक्वायर किया होता है वेट लॉस टेंशन के कारण है एक, जी सेकंड आप खाना पीना बातों में आके अरे तुम ये खाते थे इसलिए तुम्हें हो गया, ये मत खाओ वो मत खाओ। हाँ डेफिनेटली बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ कब्ज कर रही है उसको नहीं खाना, बाकी सब खाओ, रोटी खाओ, सब पराठा खाओ, जो वेज नॉन वेज जो खाते हो सब खाओ, बट अगर आपको वो कब्ज कर रहा है तो आपको नहीं पच रहा उससे अवॉइड करो, बहुत ज़्यादा मैदा बहुत ज़्यादा प्रोटीन ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी। तो फिस्तुला के बारे में हमने डॉक्टर आशीष बनोट सर से बात की, सर के ओम क्लिनिक में गुड़गांव में है, सर दिल्ली में भी बैठते हैं दो जगह, एक जगह बैठते हैं सॉरी, एक जगह सर्जरी करते हैं, फोर्टिस में सर्जरी करते हैं, सर समा में बैठते हैं। कोशिश यही थी कि इस बीमारी से जुड़े जितने भी सवाल हों लोगों के, वो सारे सवालों का जवाब लिया जाए। तकरीबन मैंने 45 से 50 सवाल तैयार किए थे, मैं खुद एक पेशेंट रह चुका हूँ तो मेरे जो सवाल थे मन में, मुझे लगता है सारे सवाल आपके भी होंगे। हमारी कोशिश यही रही है कि सारे सवालों के जवाब सर से लिए जाएँ, सर ने सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा जितने भी सवाल हमने सर से पूछे हैं उनको जवाब दिया होगा। उम्मीद है कि लगभग आपको एक अवेयरनेस के तौर पे, इन्फॉर्मेशन के तौर पे सारे जवाबों को मिले होंगे, ये बहुत ही काम का होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, आपके अगल बगल आस पड़ोस में अगर कोई फिस्टुला से पीड़ित है। सबसे पहली बात तो सर ये कि फिस्टुला जो है ना, ये नाम बहुत लोगों ने सुना ही नहीं है, वो भगंदर ज़रूर सुने होते हैं पहली क्योंकि बार भगंदर सुनते कॉमन हैं कॉमन फिस्टुला, होता पहले है। बोलते एकदम से बच्चा चक्कर जाता है कि ये है हाँ, क्या, ये है क्या फिस्टुला, क्या है, मुझे भी सर और ऐसे ही फिर हुआ आप था। जब पढ़ना चाहते हो लिटरेचर या वो, तो सफरर तो फिर शायद थोड़ा बहुत समझ जाए, बाकी तो नॉर्मल डॉक्टर भी नहीं समझ पाता कि फिस्टुला क्या है, फिर जब देखते हैं 10-20 मरीज ये हो रहा है फिर उनको पता चलता है अच्छा अच्छा ये हो रहा है। एंड बहुत बार
पता ही नहीं चलता, बस समझ के बाल तोड़ समझ के इसका हाँ ट्रीटमेंट हाँ हाँ चलता बाल है। तोड़, बाल तोड़ वाली बात सर आती है, उनको लगता है कि बाल तोड़ हो गया इसलिए घाव बन गया, पस आ रहा है और वो भीतर भीतर फिस्तुला से पीड़ित हो जाते हैं, बिल्कुल, तो ऐसा भी होता ये ज़्यादातर तो लेमन तो समझे तो समझे, वो तो मैं मानता हूँ कि वो तो बाल है। तोड़ समझ सकता है, बट कई बार डॉक्टर्स भी उसको बाल तोड़ समझ बाल तोड़ लेते समझ हैं लेते एंड हैं। मिस कर जाते हैं। ऐसा हाँ नहीं है कि जरूर हमेशा ही पकड़ पाए। फिर इसीलिए यही मैं बोलता हूँ कि हमारा ये या कुछ टेस्ट वगैरह हैं जो हमें अच्छा गाइड कर देते हैं। जी, तो मिथ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इलाज कराना है इस बीमारी अगर हो गई फिस्टुला तो इलाज करवाना है, और अगर आपके अगल बगल कोई इस बीमारी से पीड़ित है, किसी को फिस्टुला हो गया है, फिस्टुला जो कि अक्सर मैं भी किसी को बताता था, लोग पूछते थे क्या हुआ था, मैंने फिस्टुला, फिस्टुला क्या होता है, सवाल लोगों का होता था, लेकिन भगंदर ये जो थोड़ा सा चलता फिरता नाम है, क्योंकि इस त्योहारों में दिख जाता है, लोग एडवर्टाइजमेंट जो बंगाली दादा लोग होते हैं वो लोग लगा देते हैं अपने, या फिर अलग अलग तरह के लोग जो हैं जड़ी बूटी वाले वो दीवारों पे लिखवा देते हैं कि बिना नंबर चीरे लिखा फाड़े। था एक टीके में ठीक। हाँ, एक टीके में ठीक, या ये खिला देंगे ठीक, बिना चीरे फाड़े इलाज, तो भगंदर लोगों ने सुना होता है पर फिस्टुला सुना नहीं एक होता टीके है। में कई बार पेशेंट मेरे पास आए हैं, हाँ पेशेंट आए क्या, वो बेचारे समझो कि उनके रिलेटिव्स आए कि सर मेरा ही पेशेंट था, कुछ एक और चीज़ के लिए सर्जरी करा था, जी बाद में कुछ टाइम बाद आया दिखाया, कहता सर मतलब कि फादर को वैसे पायल्स हुआ था, एक टीका लगवाया उसके बाद ऊपर पहुंच गया, मतलब बचा ही नहीं पाया। दिस इज़ वेरी डेंजरस थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में ऐसे ही छिड़वाना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इससे अच्छा ना इलाज करते तो कम से कम कुड हैव मैनेज्ड। बट हाँ, कोई भी बीमारी के अंदर प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, बट एक अनहाइजेनिक एटमोसफियर में बिना प्रॉपर विजुलाइजेशन के कहीं भी कुछ इंजेक्शन कहाँ जा रहे हैं क्या, जी, वो करना बहुत अच्छी बात नहीं है। और मतलब करने वाले तो कर रहे होंगे, बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको इस चीज़ के लिए इफ़ यू कैन अवॉइड, बाकी कोई किसी को रोक नहीं सकता, हाँ समझा समझा हाँ सकते हैं कि दिस हाँ डू नॉट वर्क, आई डोंट थिंक इट इज़ एडवाइजेबल टू डू, क्योंकि ईजी बहुत है। हाँ और दूसरी बात है कि हर जगह लिखा हुआ है दीवारों पे इश्तिहार, हाँ तो वो इश्तिहार पढ़ के आदमी चले जाता चला है जाता है। और भी छुपी छुप के डर डर के बात किसी से करी नहीं होती, फ़ोन नंबर देखा बात करी, उन्होंने ऐसा घुमाया हाँ पहुंच गए बिल्कुल, ठीक, और वहाँ पे फिर मुझे तो नहीं लगता ठीक होता है, बट फिर भी हो सकता 100 में से 2-4 ठीक हो जाते हो, बट आई डोंट थिंक कि ये बहुत रिस्की है। करना चाहते हो तो रिस्क लेना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। सर इसमें मुझे लगता नहीं कि लोग डरते सर्जरी के नाम से हैं, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने हाँ, किया था, तो वो सर्जरी से सर्जरी से बचना, ज़्यादा, हाँ अब सर्जरी से बचना चाहते हैं फिर सर्जरी वो। से क्यों बचना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी सवाल है। सर्जरी में उनके मन में मिथ है कि सर्जरी में बहुत पेन होनी बहुत पेन होनी है, है बिल्कुल ना, ये सवाल रहता है यही सर, है ना, फ़ोन सर्जरी करके में लोग मुझसे पेन, भी पूछते हैं कि सर्जरी में कितना वो दर्द आपको हुआ था। सर्जरी में कहाँ पेन होनी है, सर्जरी तो अंडर एनेस्थीसिया होनी है, सुनो के होनी है जी ठीक है, और जब तो एक दिन या 2 दिन आपको जो रखना है वो इसीलिए रखना है कि जो भी दर्द तकलीफ होनी है हम उसका आपको इंजेक्शन दे सकें, और दूसरे तीसरे दिन से आप बैठो और गोली खा के अपना काम शुरू करो, इन द मीन टाइम रिकवरी शुरू हो जाए, रिकवरी शुरू हो जाएगी, तीसरे चौथे दिन आप अपने काम पर लग जाओगे। वहाँ आप जो सर्जरी से डर रहे थे, आपको बिना सुन किए बिना कुछ किए ठोक दिया इंजेक्शन या सुआ, वो आपके लिए कंफर्टेबल है, और उसके बाद भी दर्द होती रहनी है, उस टाइम तो जो होनी ही होनी है, बाई चांस आप वो प्रोसीजर करते हुए उछल गए कहीं का कहीं सुआ घुस गया, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द पेशेंट। अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ खिलवाड़। करना बहुत सेंसिबल नहीं है, और जस्ट डर के कारण, कोई फाइनेंशियल रीज़न नहीं है, कोई और रीज़न नहीं है, सिर्फ डर है कि पता नहीं सर्जरी में कितना दर्द हो जाना हाँ कहीं भी। चलो समझ आती है कि बहुत पुअर हैं, आ जा नहीं सकते, जो सामने मिला वही इलाज कर लिया, वो बिल्कुल चीज़ें समझ आती हैं कि चलो उन्होंने कर लिया, पर अगर आप अपने डर के कारण कर रहे हो तो काफ़ी मूर्खता है। बट हाँ, लैक ऑफ नॉलेज के कारण कर रहे हो तो समझो कि दर्द नहीं होनी, नहीं होने देन आई एम टेलिंग यू सर्जरी एनेस्थीसिया दे के होनी है, सुन करके होनी है, कैसे दर्द होएगी, और दर्द हो रही होगी तो आप सर्जरी करने नहीं दोगे करने नहीं मुझे, दोगे, सही और आप हिल रहे होगे तो मैं करूँगा भी नहीं। बात है। हाँ ये भी बात है, तो ज़्यादातर मतलब केसेस में सर्जरी करनी ही पड़ती है, मुझे लगता है ज़्यादातर क्या मतलब 99% सर्जरी करके ही ठीक करनी पड़ती है फिस्टुला फिस्टुला को, के अंदर तो सर्जरी ही है, सर्जरी है। फिशर में फिर आप समय निकाल लेते हो, और वो भी कल को बगंदर में कन्वर्ट हो गया, फिर क्या करोगे क्या करेंगे फिर। ठीक है, पाइल्स में आप निकाल लो सालों साल, और
वो आपकी मर्जी है, पर बाइल में ब्लीडिंग हो गया, कई बार इतना हीमोग्लोबिन कम हो जाता है कि करना ही पड़ जाता है। तो सर्जरी से बचने के लिए दूसरे उपाय अपनाते हैं, उससे बीमारी और बढ़ती है, आप और सफ़र फिर करते और हैं, कॉम्प्लिकेट होके आते हैं, जो एक सीटिंग का काम होता है वो छः छः सीटिंग में जाता है। लास्ट में सर्जरी करनी पड़ती है उसके लिए। फिर इससे बढ़िया है कि अगर बीमारी का वट पता इज़ राइट चले। वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस हाँ करें और करें जो आपको वो सही सलाह दें, जी, प्रॉपर कंसल्टेंट से मिलिए जो इस चीज़ में थोड़ा स्पेशलिस्ट हो, जो समझे इन बीमारी को, वो इम्पोर्टेंट है। और सबको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, जिनका वहाँ इलाज हो सके आई एम मोर देन हैप्पी कि वहीं ठीक होके जाए। कोई कॉम्प्लिकेट हो गया नहीं ठीक हो पा रहा, देर इज़ ए होप, इफ़ वी कैन, हमारी बेस्ट कोशिश रहेगी कि कर पाएँ, पर मैं भी 100% गारंटी किसी को नहीं देता। लोग लेकिन मेरे को आप ठीक बाद कर में भी देते हैं सर, बोलते हैं ठीक आप कर आप देते हैं। बोल रहे हो ठीक कर नहीं, देता क्योंकि हूँ, मैं भी आया था, मैं ठीक हुआ हूँ, इतने ख़राब केस लेकर ठीक हुआ पर हूँ। मैं फिर भी बोलता हूँ 10% चांस है आपने ठीक नहीं भी होना, पर फिर भी मैं इलाज करूँगा, क्योंकि मुझे पता है अंदर से, चाहे मुझे 100% भी पता हो, मैं फिर भी बोल के चलूँगा आई एम नॉट गॉड। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, बॉडी ने काम करना है, फिर जो मेडिसिन ने काम करना है, बहुत सारे फैक्टर्स ने काम करना है, जब सारी चीज़ें कोहेसिव लगेंगी तो देर इज़ नो रीज़न कि आप ठीक ना हो पाओ। ठीक है, जब हमने मैकेनिज्म ठीक कर दिया तो ठीक होना है, बट फिर भी व्हेन सो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस। सर खुद को भगवान ही मानते हैं, लेकिन हम जैसे लोग, तमाम पेशेंट्स जो हैं, सर को भगवान मानते हैं, क्योंकि लास्ट होप लेके सर के पास आते हैं। और जिनको फिस्टुला हुआ है वो समझ सकते हैं कितनी खतरनाक बीमारी, कितनी तकलीफ़ होती है इसमें। वो कहावत है कि जाकर पैर ना फटी बेवाई सो क्या जाने पीठ पर आई, जिसको जो बीमारी होती है वही उसके बारे में बेहतर जान ये सकता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैं अपना पेरेंट्स समझ पाते हैं, बच्चे बेचारे रो रो के कई बार लड़ लड़ के आते हैं, क्योंकि दे हैव, और उनकी गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती नहीं है या फिर आसपास वालों की गलती नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा आपके लिए बेस्ट सोच रहे हैं, हाँ बट बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द डिजीज़, इस चक्कर में वो आपको पकड़ते हैं, ऐसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, एंड थिंग्स टू, जब वो बिगड़ जाती हैं फिर एंड में तब भी वो पहुँच पाते हैं तो भी हम उनकी हेल्प कर पाते हैं। और कई बार मुझे बुरा लगता है कि मतलब बच्चा तो बेचारा कब से लगा हुआ था, 4 साल से कोशिश कर रहा था आने की, फिर उस बीच में 5-5, 6-6 ऑपरेशन करा दिए, फिर आया बिगड़ के, फिर हमको भी समय लगा, फाइनेंशियली से ज़्यादा साइकोलॉजिकली डाउन कर देता है, डिप्रेशन में चले जाता है। इंडिया से आप सब, जब सर जब मैं आपके पास इलाज करवा रहा था उस समय कश्मीर से लोग आपके पास आते थे, असम, नॉर्थ ईस्ट से, गुवाहाटी से लोग आए थे उस असम से। इसके बाद जब आपने मेरा वीडियो डाला, उस वक्त जब मैं ठीक हो गया था, मेरे पास तेहरान से फ़ोन आया था, बांग्लादेश से फ़ोन आया था, और इंडिया से तो अक्सर फ़ोन आते ही रहते हैं। तो मतलब लगभग पैन इंडिया पूरा ना, कोने कोने से लोग आपके पास मैं आते आपको हैं। बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट अराउंड द ग्लोब, जिस कंट्री का भी नाम हम जानते हैं उस कंट्री के पेशेंट हमारे पास आके करा चुके हैं। करा चुके होते हैं। ठीक है, बल्कि हर जगह पे, मतलब कई बार बिल्कुल छोटी सी कंट्री सोचते हैं और वहाँ से हम सोचते हैं कि वहाँ से भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, मतलब वो आके करा के, जो जिन जब कहीं नहीं ठीक होते तो आ जाते हैं। तो जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको ये लिमिटेशन बनाने की ज़रूरत नहीं कि बहुत दूर है। बट हाँ, अगर आपका पास में हो रहा है तो ज़रूर पास में कराओ। लेकिन कहीं ना कहीं आपके हाथ में, लोग कहते हैं, मैं भी मानता हूँ, तमाम लोग भी कहते हैं जो आपसे ठीक होकर जाते हैं, कुछ ना कुछ भगवान ने दिया है आपके हाथ में, एक नेमत है कि आपका हाथ लगता है तो आप मरीज़ ठीक हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि मरीज़ तमाम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं भी ठीक होते हैं, आपके पास आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऊपर वाले का दिया हुआ है। और सर ने जो ओम यहाँ पे डॉक्टर आशीष बनोट ओम लिखा है ना, सर शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये ऐड ऑन है, बोनस सही है। सर शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और मैं जब पहली बार सर्जरी कराने गया था ऊटी में, सर जब ऊटी में सर्जरी करने आए थे तो सर ने शंकर जी का एक गाना चलाया था। ये मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कोई डॉक्टर ऐसा है जो इतना मतलब शानदार माहौल बना के रखता है ओटी में। ओटी में, ओटी एक ऐसी जगह है जहाँ पेशेंट जाके घबरा जाता है, वो तमाम मशीनें देखता है, उसको लगता है कि मेरी सर्जरी होने वाली है। सर्जरी से पहले भले ही उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो बेहोश पूरा हो जाता है, या फिर कमर से नीचे स्पाइनल में दिया जाता है कि इतना हिस्सा सुन्न हो जाता है, तो इतना हिस्सा सुन्न होता है तो होश में रहता है। तो एक ऐसी जगह जहाँ आदमी डरा रहता है, वहाँ पर सर इस तरह का माहौल बना देते हैं बिल्कुल, कि आप ना, अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो वो आप वहाँ खो जाते हैं फिर। तो एक अंदर से ना, एक इस बीमारी से लड़ने की, एंग्जाइटी खत्म हो हाँ, जाती ख़त्म है। हो जाती है, और एक लड़ने की दोगुनी शक्ति आपको मिलती है भीतर से। तो सर शंकर जी के बहुत अच्छे भक्त हैं, सर का इंस्टाग्राम अपना अकाउंट है, वहाँ पे भी आप बहुत सारे सर के भगवान से जुड़े हुए फोटोज़ वीडियोज़ देख लेंगे। टैटू भी बहुत सारा सर ने बनवा रखा हुआ है, त्रिशूल विरसूल यहाँ यहाँ पूरा। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का दिया कुछ ना कुछ सर के हाथ में है, जिससे कि हम जैसे पेशेंट्स तमाम ऐसे हैं जो सर के पास आए हैं एकदम आखिरी स्टेज पे, जहाँ से बचने की कोई उम्मीद थी नहीं, और
ऐसा लगता था कि शायद अब ठीक नहीं हो पाएंगे, उनको सर ने ठीक कर दिया है। तो सर ये मैं ही नहीं मानता, तमाम ऐसे लोग हैं जो जिनको आपने ठीक किया सब यही मानते हैं, और मैं बोलूँ या दो तीन चार लोग बोले तो समझ में आता है चलो भाई आपने कुछ अलग से बोला, लेकिन सब लोग अगर यही बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है ही सर आपके हाथ में कि आप ठीक कर देते हैं फिर मैं उसको। तो ये बोलता हूँ कि करे कराए आपको, आप करने वाला वो है, कराने वाला वो है, तो हम कुछ नहीं आप सर एक माध्यम माध्यम है, है। आप एक माध्यम है जिनके जरिए हम लोग ठीक हो जा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग और लोगों के पास जा रहे हैं पर नहीं ठीक हो रहे हैं, तो एक माध्यम है। तो सर के पास आपने सुना ही इंडिया से दुनिया भर से तमाम पेशेंट्स का जगह जगह से आते हैं सर, सबको ठीक कर देते हैं, तो सर के हाथ में कुछ ना कुछ तो है। तो हमने बहुत लंबी चर्चा की सर के साथ, मुझे लग रहा है कि लगभग 1 घंटा 40-45 मिनट का ये वीडियो हो गया होगा। सर इसको पार्ट पार्ट में शेयर करेंगे अपने चैनल पे ताकि एक बार का बहुत बड़ा हो तो जाएगा। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ में देना काफ़ी बड़ी मुश्किल भी होता है, और आई थिंक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पार्ट्स में अगर आपको मिले तो वो ज़्यादा बेटर है। बट वट एवर इज, दोनों तरह शेयर कर देंगे, जिसके पास पूरा समय होगा हाँ वो वन यूनिट में ही चलेगा, अदरवाइज इसको डिफरेंट पार्ट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। लगभग 40-45-50 सरप्राइज एलिमेंट आपको देना चाहिए, जी करण है यहाँ पे, हाँ आई थिंक वो बहुत अच्छा और भी अच्छा बता पाएंगे। आपने जितना सफ़र किया उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने सफ़र किया है। आज तक इतने साल हो गए मेरे साथ हैं ये, पर कभी हमने इनका इंटरव्यू नहीं लिया, तो आप इनका इंटरव्यू अगर आप आपस में शेयर करेंगे, डेट विल बी मच मोर बेनिफिशियल देन व्हाट आई एम सेइंग। पेशेंट जो खुद बोलते हैं वो काफ़ी बार बहुत अच्छा हेल्प करता है, रादर देन डॉक्टर बार बार बोलता भी रहे तो आपको कहीं ना कहीं उतना कोरिलेट नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल सर करण आई के वुड लाइक कि आप आओ। करण यहाँ पे कैमरे के पीछे बैठे हुए